पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016 सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के काशीडी में घर के लोगों को बेहोश कर चोरों ने किया लाखों रुपए की चोरी। चांडिल के रामगढ़ से मिला 3 दिन पुराना अज्ञात शव, पुलिस कर रही जांच। एनआरसी बिल के आने पर संविधान बचाओ समिति ने देश को बांटने का लगाया आरोप। और चाईबासा के कुमार डूबी में 11 वर्षीय बच्चे को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, एमजीएम में चल रहा इलाज। खबरें अब विस्तार से और खबर में बात करेंगे सबसे पहले घर में हुई चोरी की। आपको बता दें, साक्षी थाना अंतर्गत काशीडी लाइन नंबर 5 मकान संख्या 159 निवासी रामवृक्ष प्रसाद के घर पर शनिवार तड़के चोरों ने स्प्रे मारकर घर के सदस्यों को बेहोश कर दिया और घर में रखे लाखों रुपए पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सुबह जब घर वालों की आंख खुली तो पाया कि घर में रखा नगद रुपया गायब है। सूचना पाकर साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। रामवृक्ष की सरकारी राशन की दुकान है। इस मामले में साक्षी थाना में अज्ञात के खिलाफ शिकायत की गई है। रामवृक्ष की बेटी निशु ने बताया कि उसकी दीदी की शादी 11 दिसंबर को जुगसलाई में हुई है। शादी के बाद रिसेप्शन के लिए पूरा परिवार शुक्रवार को जुगसलाई गया हुआ था। रात 12 बजे तक सभी घर वापस आए और सोने की तैयारी करने लगे। भाई राहुल रात 3 बजे जगा हुआ था, उसके बाद वो भी सो गया। सुबह जब नींद खुली तो सभी के आंख में जलन हो रही थी। पापा ने पेमेंट करने के लिए रुपए मांगे, जहां रुपए रखे थे वहां नहीं मिले। इसके बाद जांच करने पर पाया गया कि घर में चोरी हो गई है। ये सामान तो सब बाहर गिरा हुआ था, सब यहाँ लेके आए, सब वहाँ से लेके आए। हम सोचे कि लेके जाते हैं, भी आदमी का नहीं छोड़ा पा। अच्छा, जितना गिफ्ट मिला था बड़े पैसा पर, इसमें था 8-10 परसेंट वाला सब जो बॉक्स था उस था, इसमें सब का सामान था कि जो हार हम इसमें रखते हैं, उसका सारा सामान वो निकाला। मतलब दरवाजा ये वाला हल्का सा खुला, हल्का सा खुला था, इतना खुला था, खुला नहीं देखा। क्या हुआ था ये? हम लोग रात में 1:30 तक पार्टी से आए, 1:30 तक सोए या 3 बजे तक। मेरा भाई वो फ़ोन चला रहा था, देख रहा था, तो उसको लगा कि उसको सीढ़ी से कोई आ रहा है, पर वो उतना ध्यान नहीं दिया। उसका दरवाज़ा भी आगे तरफ खोल के देखा कि वहाँ पे कोई घुसा, तो इसको लगा कि कोई तो होगा, घर का कोई बाथरूम के लिए गया होगा, तो नहीं ध्यान दिया। और सबको का हम लोग जब सुबह में उठ रहे हैं तो सबको का आँख में यहाँ पे जल रहा है बहुत, कि देख रहे कि सबको स्प्रे मारा। और मम्मी पर्स के वाली मांगी तो पर्स यहाँ देख रहे, किसी का पर्स नहीं है। मेरा पर्स, मम्मी का, नानी का और मामी का, पापा का, भैया का, सबका पर्स नहीं है। और पैंट में भी 10,000 रुपया, 15,000 रुपया ऐसे ही बस रखा हुआ था, तो सब चीज लेके चला गया है। उधर चांडिल थाना अंतर्गत रामगढ़ गांव के समीप शाखा कैनाल से 3 दिन पुराना एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को रामगढ़ के समीप शाखा कैनाल से तैरते हुए हालत में पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं चांडिल पुलिस मामले की छानबीन कर शव की पहचान में जुट गई है।
जी 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 ठीक ठीक इधर संविधान बचाओ समिति ने आरोप लगाया है कि नागरिकता कानून संशोधन विधेयक देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रही है। इधर समिति के संयोजक सैयद सैफुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, नागरिकता कानून संशोधन विधेयक देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया, पहली बार भारतीय संविधान के तहत एक ऐसा कानून बन रहा है जो नागरिकता को धर्म से जोड़ रहा है। उन्होंने जानकारी दी, 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे आजाद नगर के गांधी मैदान से सांची आम बगान मैदान तक विशाल जनाक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेंगे। इस आवाज को बुलंद करेंगे और वो जो है हक की आवाज को हम पहुंचाएंगे। ये हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। कोई बैनर नहीं है इसमें, ऑल इसमें मुत्तहिदा एक महास कह लीजिए है, जिसमें हमारे हर मसलक के लोग शामिल हैं, हर तबके के लोग हैं, हिंदू हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं और सिख हम भाई हैं। इन सबको हम जोड़ने के काम में हम लोग लगे हुए हैं और हर वो बंदा जो हिंदुस्तान के भारत के संविधान पर जिसका यकीन है वो इस संविधान को बचाने के लिए मैदान में आएगा इंशाल्लाह ताला। और हम लोग वो गांधी मैदान 24 दिसंबर को गांधी मैदान से चल करके आम बगान तक आएंगे और ये पैगाम देंगे कि जो जिस गवर्नमेंट का काम ये है कि वो संविधान की रक्षा करे, आज उस वो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सख्त मौके पर वो अपने संविधान को बचाए। वहीं चायबासा के कुमारडूबी थाना अंतर्गत जायपासाई गांव के रहने वाले 11 वर्षीय छात्र गंगाराम तीयू को शनिवार सुबह एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद वैन का चालक मौके से वैन लेकर फरार होने की कोशिश में था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। आसपास मौजूद लोगों ने छात्र को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां उसकी स्थिति बिगड़ने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंगाराम के पिता श्याम ने बताया कि उनका बेटा जपाई साई स्कूल में 3री कक्षा का छात्र है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह घर जा रहा था, रास्ते में पीछे से पिकअप वैन ने उसे टक्कर मार दी। बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तब तो एक ममता बस चल गया, उसका पीछे से और एक पिकअप गाड़ी आया था, बच्चा पार होने के बाद में एक्सीडेंट हो गया। कुमार डूंगी ये चाईबासा से। कौन कितना स्कूल पढ़ता है? 3 क्लास में पढ़ता है। कौन सा स्कूल? जाको एसआई। कौन स्कूल है बाबू? जाको एसआई। और मानगो पुलिस बंधक बनाई गई 3 बच्चियों की तलाश में मानगो 16 नंबर रोड एक मकान में पहुंची, लेकिन बच्चियां नहीं मिली। इधर जिस घर में नाबालिग बच्चियों से काम कराने की बात कही जा रही है, उस घर में मानगो पुलिस बच्चियों की खोज में शनिवार को पहुंची। यहां पर घर मालकिन ने पुलिस को बताया, रोजाना सौतेली माँ बच्चियों को लेकर उसके घर आती है। महिला ने कहा, बच्चियाँ उसके बच्ची के साथ खेलती है और सौतेली माँ घर का काम करती है। जबकि नाबालिग बच्चियों की मौसी समा परवीन ने बताया, बच्चियों को छिपा कर कहीं रखा गया है। वहीं ASI अशोक कुमार ने बताया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चों को इनको माँ का हवाले कर दिया जाए। माँ क्या करी क्या नहीं, माँ ने नहीं रखता, माँ ने ये रखता, खाला उसका जिम्मेवारी लेगी, उसका गारंटर पब्लिक देगा कि खाला उसको पाल पोस के बड़ा करेगी। तो यहाँ आए मालकिन का कहना है, झूठ बोल रही है, सारा पैसा का जोर दिखा रही है, बच्चा छुपा दी है, वो झूठ बोल रही है, उसका मालकिन पक्की झूठी है, पैसा का जोर पे है। माँ तो माँ ले गई है बच्चा को ना, माँ नहीं है वो, सौतेली माँ आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि माँ ऐसा काम कराएगी, नौकरानी ऐसा काम कराएगी, पढ़ाएगी नहीं, सौतेली माँ है, सौतेली माँ अपनी माँ पढ़ाना जाना करती है, नहीं हाँ वही लेके जाना ना करती। आपका नाम बताइएगा? मेरा नाम शमा परवीन। कौन थाना गए थे आप लोग अभी? हम लोग अभी गए थे मानगो थाना। पहले बच्चा मिला यहाँ पे? नहीं मिला, बच्चे को छुपा दिया गया है। थाना में एक सूचना मिली थी कि इस कॉलोनी का एक व्यक्ति
चाइल्ड लेबर करवा रहा है, लेकिन जांचोपरांत पता चला कि उसकी माँ आती है काम करने, उसके साथ ज़्यादा कदा बच्चा आता है, लेबरिंग नहीं करता है। उसकी सौतेली माँ है, उसकी माँ नौकरानी का काम करती है, उसके साथ ज़्यादा कदा साथ में आती है, वर्क नहीं करती है। ये कॉलोनी वालों से पता चला और घर के मालकिन से भी पता। मालकिन ने कहा कि उसकी माँ हमारे यहाँ काम करती है टाइम टू टाइम, और ये उसके घर में एक परमानेंट नौकरानी है जिसको मैंने देखा, उससे भी बात किया, उसने भी इस रिपोर्ट को गलत। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016 सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ, 25,000 वैरायटी। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कपाली में ओपी के पास कलवट के लिए जगह नहीं मिलने के कारण स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। बताया जाता है कपाली टीओपी के पास कलवट के लिए जगह नहीं मिलने के कारण स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाद में ठेकेदार को बुलाकर माफी की गई। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनमें मुख्य रूप से आईपीएस परीक्षा में चयनित जमशेदपुर के निवासी रोशन कुमार ने छात्रों को कैरियर संबंधित टिप्स दिए। आदित्यपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अध्ययनरत छात्रों के कैरियर काउंसलिंग और छात्रों का मार्गदर्शन इंडियन पुलिस सर्विस में चयनित रोशन कुमार ने किया। 2019 आईपीएस परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया में 114 रैंक हासिल करने वाले रोशन कुमार मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और ये कुछ दिनों से जमशेदपुर के गोलमोरी में रह रहे थे। टेक्निकल साइड में कुछ करेंगे क्योंकि आप टेक्निकल जो भी आप करना चाहते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। एक बात एक मतलब इसके बाद की लाइफ में आपको अपना ओनरशिप लेना पड़ेगा। आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो जो भी है, उसका आपको जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जिंदगी में दूसरे किसी कारण को या दूसरे किसी इंसान को ब्लेम करके हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, सबके साथ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को छोड़ के जब तक आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप उसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे। तो सीधी बात ये कि आप जितना अपने सिचुएशन का ओनरशिप लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, जो भी हालात है वो मेरा है, अब इसको ठीक करना भी मेरा जिम्मेदारी है, तो फिर रास्ता फिर थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा फेल होंगे, गिरेंगे, लेकिन
कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आप मेहनत करते रहिए तो एंड में कुछ ना कुछ तो, ऐसा कोई नहीं कि मेहनत करे और कुछ अच्छा ना हो। और सरायकेला जिले के 50 ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में तीसरा चरण के 12 दिसंबर को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव का जिला प्रशासन ने 50 ईचागढ़ का अंतिम मतदान प्रतिशत 76.27% की घोषणा की, जबकि ईचागढ़ विधानसभा के कुल मतदाता 260,010 है, जिसमें जिले के कुल पुरुष मतदाता 133,010 है एवं महिला मतदाता कुल 127,021, जिसमें 96,206 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग कर सशक्त सरकार के लिए मतदान किया। बढ़िया से और सत्संग उपासना गृह समिति के द्वारा 15 दिसंबर को परसुडी स्थित सिद्धू कान्हू चौक के निकट सत्संग उपासना गृह में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की 132वीं जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही यहां सत्संग उपासना गृह का तीसरा स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। इस दौरान संगीतांजलि, धर्मसभा, भंडारा, मातृ सम्मेलन, कवि गीत समेत छोटे बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। एक प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। इस संबंध में सत्संग उपासना गृह के अपार्थिव राय चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में केवल शहर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लगभग 5 से 6 हजार की संख्या में उनके अनुयायी इस जन्मोत्सव में शिरकत करेंगे। कम से कम 10,000 अनुयायी कल्पन पे मैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की 132वां जन्मवर्ष की समारोह, साथ में हलुद्वानी सत्संग उपासना गृह की तीसरा वर्ष उद्बोधन दिवस समारोह। क्या कुछ इस दौरान होने वाला? इस दौरान सुबह 8:30 बजे बच्चों लोगों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता, 11 बजे धर्मसभा, दोपहर 12 बजे के बाद भंडारा, 1 बजे से मातृ सम्मेलन, 2:30 बजे से रंगारंग कार्यक्रम, कलकत्ता के विशिष्ट कवियाल की ओर से कवि गान की व्यवस्था रखा गया है। इसके अलावा क्या कुछ? साथ में हम कुछ दरिद्रों के अंदर, गरीब के अंदर कंबल वितरण करेंगे, वस्त्रदान जो कि 2 बजे से 2:30 बजे तक के समय में किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के काशीडी में घर के लोगों को बेहोश कर चोरों ने किया लाखों रुपए की चोरी। चांडिल के रामगढ़ से मिला 3 दिन पुराना अज्ञात शव, पुलिस कर रही जांच। एनआरसी बिल के आने पर संविधान बचाओ समिति ने देश को बांटने का लगाया आरोप। और चाईबासा के कुमार डूबी में 11 वर्षीय बच्चे को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, एमजीएम में चल रहा इलाज। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की बुलेटिन को इजाजत। नमस्कार। पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016, सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी।